नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमिता एंड ऑस्टिन मीडिया पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प बनाना बहुत ही आसान है, जिसे बनाकर हम 3 मंथ्स के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए हमें एक एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत है, जिसे हम इसे 3 मंथ्स तक रख सकते हैं और जब हमारा मन चाहे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कभी आपको चटनी बनानी है, मीठी या खट्टी चटनी, कोई भी चटनी बनानी है या सांभर में यूज़ करना है, तो हम इसका फटाफट यूज़ कर सकते हैं फ्रिज से निकाल कर। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं इमली का पल्प। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इमली का पल्प बनाने के लिए मैंने ली है 250 ग्राम इमली और 3 कप गरम पानी। अब हम इस 250 ग्राम इमली को गरम पानी में डिप करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। पानी में अच्छे से डिप हो गई है, अब हम इसे 2 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। अब हम इमली को हाथ से मसल कर इसके फाइबर को अलग कर लेंगे। इमली को भिगोने से इमली सॉफ्ट हो चुकी है। इसे अच्छे से हाथ से मसल लेंगे धीरे धीरे और इसका जितना भी फाइबर है उसे पल्प से अलग कर लेंगे। फाइबर और बीज दोनों अलग हो गए हैं। आप चाहें तो इसमें 1 कप पानी और डाल के इसका जो बचा हुआ पल्प है वो निकाल सकते हैं। ये हमने पल्प अलग कर लिया है फाइबर से। अब हम इसे एक छलनी और चम्मच की हेल्प से छान लेंगे। पल्प को स्टोर करके रखने के लिए हमें उसे गाढ़ा ही रखना होगा। हम ऐसे इसे पूरा छान लेंगे। पल्प निकाल लिया है हमने छान कर। अब हम इसे एक पैन में डालकर गर्म होने तक पकाएंगे। हम इसे मीडियम गैस पर ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। अगर ये इस तरह उचट रहा है तो इसे लगातार चलाते हुए पकाएं। इससे ये उचटता नहीं है, ये बहुत जल्दी पक जाता है और थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा हो जाएगा। पल्प काफ़ी गाढ़ा हो गया है, हम इसे गिराकर देख लेते हैं। थक्के के रूप में नीचे गिर रहा है। पल्प बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। पल्प ठंडा हो गया है, हम इसे एक प्याले में निकाल लेते हैं। पल्प ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो गया है। पूरी तरह ठंडा होने के बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। आप अपना एक्सपीरियंस मुझे ऑस्टिन मीडिया पर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।